हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद शीतल। इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ अमेज़न हॉल। मैंने 4 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स बांट रखे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर, मेकअप, बुक्स, एक्सेसरीज। तो वो आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी फर्स्ट कैटेगरी है स्किन केयर। स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हम भूल जाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ फेस वॉश करते हैं, बट फेस वॉश के साथ हमें जेल भी लगाना चाहिए, फेस वॉश भी करना चाहिए, फेस मास्क भी अप्लाई करना चाहिए। स्किन केयर का मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है फाबिया का पपाया जेल। इस पर लिखा है बायो केयर नेचुरल साइंस ऑफ स्किन केयर। यह हमें 340 ml मिलता है और इसका MRP भी आई थिंक 300 समथिंग ही है। मेड विथ ऑर्गेनिक एलोवेरा, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें एलोवेरा जेल है। यहाँ पे पीछे डायरेक्शन भी लिखी है आपको कैसे यूज करना है। इंग्रेडिएंट लिखे हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ही बना है, इसके इंग्रेडिएंट्स में सब लिखा हुआ है। नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, मेड इन इंडिया। तो गाइज, ये इंडिया का प्रोडक्ट है, आपको इंडिया के प्रोडक्ट को सपोर्ट करना है, आप इंडिया के प्रोडक्ट जरूर खरीदें। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा ये थर्ड बाय है। एक मैं प्रोडक्ट पहले यूज कर चुकी हूँ इसका एक बॉटल, ये मेरी सेकेंड है और ये न्यू थर्ड है। तो इसे तो मैंने ओपन नहीं किया है, मैं आपको इसी में से दिखा देती हूँ। मैं और मेरी सिस्टर बहुत यूज़ करते हैं इसे, हम ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसे रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यह ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखता है। फाबिया के जेल में 4-5 टाइप्स के जेल आते हैं, कॉफ़ी, लेमन और बाकी सब आप वो अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, और सिर्फ आई थिंक अमेज़ॉन पे ही मिल रहे हैं। बहुत अच्छे से ये स्किन में ऐसे अब्सॉर्ब हो जाता है, बहुत ही स्किन सॉफ्ट हो जाती है। आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंस एक बार में दिख जाएगा कि स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और ये हर स्किन टाइप के लिए, इसे ऑयली वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, जैसे पपाया की स्मेल आती है वैसे ही इसकी स्मेल है। बहुत ही स्किन को ग्लो देता है, विद इन ग्लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये मैं आपको हाईली सजेस्ट करती हूँ। मेरा सेकेंड स्किन केयर का प्रोडक्ट भी फाबिया ब्रांड से है, फाबिया एक्टिवेटेड चारकोल फेस एंड बॉडी स्क्रब। गाइज, आप अमेज़ॉन ऐप पर देख सकते हैं, फाबिया के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनके अच्छे रिव्यू हैं, उसका आपको जेल, लोशन, स्क्रब, फेस पैक सब मिल जाएगा। और साथ में इस ब्रांड के प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं एंड मेड इन इंडिया है, तो गाइज आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये जो मेरा बॉडी स्क्रब है ये भी मेरा सेकेंड बाय है, मैंने बहुत यूज़ किया है, मेरी बहन भी इसे यूज़ करती है, मैं अपने फ्रेंड्स को भी ये रिकमेंड किया है। इसकी स्मेल चारकोल जैसी स्मेल है, प्लेजेंट स्मेल है, आपको बॉदर नहीं करेगी। ये अंदर से ऐसे दिखता है, इसमें थोड़े से ऐसे पार्टिकल्स हैं बट ज़्यादा हार्श पार्टिकल्स नहीं है कि आप स्किन पे ऐसे स्क्रब करोगे तो आपको बहुत हार्श लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें बीच में थोड़े पार्टिकल्स हैं, इतने भी बड़े पार्टिकल्स नहीं है कि आपको अपनी स्किन पे हार्श लगेंगे। बहुत ही अच्छा स्क्रब है, आप अपने फेस के साथ साथ बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बाहर से आ रहे हैं, इतने डर्ट और इतनी डस्ट में आपको लग रहा है कि यार इतना पॉल्यूशन है बाहर, इतने डर्ट हमारी बॉडी पे लग गया है, फेस पे लग गया है, तो आप फेस वॉश के बाद इस स्क्रब को अच्छे से यूज़ करें और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बहुत अच्छे से आपके फेस से डर्ट हट जाएगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप कोई भी अपना चॉइस का फेस वॉश यूज़ करें, उसके 10 मिनट बाद आप स्क्रब करें, उसके 10 मिनट बाद आप इस जेल को यूज़ करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, आप खुद देख लेंगे। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है अर्बन गबरू का पील ऑफ मास्क एंटी पॉल्यूशन। तो डेली वालों के लिए तो ये अच्छा है एंटी पॉल्यूशन। ये हमें मिलता है 120 ग्राम, इसमें MRP लिखी है 440 रुपीज़, बट मैंने डिस्काउंट पे लिया था 250 समथिंग का। इस पे लिखा है एक्टिव कूलिंग इफेक्ट डीप स्किन प्यूरिफाइंग क्लेंजिंग मास्क। वैसे तो ये मेल ज़्यादा यूज़ करते हैं बट इस पे यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की पिक डाली हुई है, उनके फेस पे ऐसे चारकोल लगा हुआ है। रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो गाइज मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी, इसकी सेपरेट मैं वीडियो बनाऊँगी तो वो आप देखना। मेरा स्किन केयर का लास्ट प्रोडक्ट है बेबी की वाइप्स। इसमें मेरे पास दो, मैंने ये पैकेट खरीदी थी, रिव्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे तो मैंने सोचा मैं दो ले लेती हूँ। और इस पे लिखा है अल्कोहल फ्री, पैराबेंस फ्री, 80 वाइप्स मिलती हैं, 150 रुपीज़ MRP है, बट डिस्काउंट में आपको 80-90 रुपीज़ की मिल जाती हैं। यहाँ पे लिखा है 98% वाटर वाइप्स, प्योरेस्ट वाइप्स, यहाँ से ओपन करना है, यहाँ पे आपको वाइप मिल जाएंगी। एंड गाइस, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मैंने ये यूज़ की है, ओहो निकल जा,
आप देख सकते हैं मैंने कुछ वाइप्स यूज की हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के वाइप्स हैं, काफी ज्यादा वेट हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कितनी ड्राई वाइप्स हैं, कुछ फायदे नहीं है इनके खरीदने का, बहुत अच्छी वाइप्स हैं, आप इन्हें जरूर ट्राई करें। मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, मुझे कुछ वाइप्स इरिटेट करती हैं, मैंने ब्लू हेवन की वाइप यूज़ की थी वो मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी, गाइस इस वाइप्स ने मुझे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया, तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले तो कर ही सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है मेरी वो है मेकअप में मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है हिलेरी का आई शेडो पैलेट, ये है वो पैलेट, ये काफ़ी कलरफुल पैलेट है, इसमें टोटल मिलते हैं 16 आई शेडो, ये इसकी पैकेजिंग मैं खोल रही हूँ, इसका शेड नेम है 02। इस पैलेट में टोटल 5 शिमर आई शेडो हैं एंड 11 मैट आई शेडो हैं, सबकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है और मेरा तो वैसे 4 शिमर आई शेडो ये तो हटी है। एक ही स्वाइप में आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन कितनी ज़्यादा अच्छी है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर है 250 समथिंग में, और आपको टोटल 16 आई शेडो मिलते हैं। इसके बाद जो मेरा मेकअप में सेकंड प्रोडक्ट है वो है हिलेरी रोडा की आईब्रो पेंसिल, ये आईब्रो पेंसिल 2 साइडेड है, यहाँ पे ऊपर आपको मिलता है आईब्रो पेंसिल, यहाँ नीचे मिलता है ब्रश, तो ये ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बहुत हैंडी है, इसे आप अपने पर्स में डाल लीजिए और अपनी आईब्रोज को आराम से फिल कीजिए। ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड है, इसमें टोटल 2 शेड आते हैं ब्लैक एंड ब्राउन, गाइस मैंने यूज़ नहीं किया, मैं किसी मेकअप वीडियो में इसे यूज़ करूँगी फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसी है। इस लिपस्टिक का शेड मुझे दिख रहा था ब्राउन, बट जब ये मुझे मिली तो इसका एक्चुअल में जो शेड है वो है पिंकिश ब्राउन, ये न्यूड शेड है, ये हर स्किन टोन को सूट करेगी, मैं आपको स्वेच करके दिखाती हूँ, ये फेयर स्किन टोन पे तो पिंक लगेगी बट डीप एंड मीडियम स्किन टोन पे पिंकिश ब्राउन शेड लगेगी जो कि थोड़ा न्यूडिश टोन है। इस लिपस्टिक पे लिखा है वेलवेट मैट लिपस्टिक, थोड़ी सी मैट होनी चाहिए बट मुझे ये सेमी मैट भी नहीं लगी, ये बहुत क्रीमी लिपस्टिक है पर ठीक है अच्छा कलर है। MRP कुछ ज़्यादा ही है इनकी 325 रुपीज़, जो कि मुझे ज़्यादा लगी और प्रोडक्ट भी इतना ज़्यादा हमें मिलता नहीं है। इस हॉल की मेरी थर्ड कैटेगरी है एक्सेसरीज़ में मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है बट वो बहुत ही ऑसम है, मैं आपको दिखाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। ये आर्टिफिशियल रोज़ कितने प्यारे लग रहे हैं और ये बहुत ही नेचुरल लगते हैं, ऐसे लगते ही नहीं है कि आर्टिफिशियल है, मैंने एक फंक्शन में इन्हें पहना था तो मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी तारीफ़ की थी। ये 2 आपको अमेजोन पे 140 समथिंग में मिल जाएंगे एंड आई थिंक लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे। इनके ये जो पेटल्स हैं इनका टेक्सचर थोड़ा वेलवेटी है, शाइनी है, यहाँ पे पीछे आपको ऐसे क्लिप भी मिलती है और ये ऐसे पिन भी मिलती है जो आप साड़ी में यूज़ करते हैं। इस क्लिप से आप इस आर्टिफिशियल रोज़ को अपने बाल में लगा सकते हैं और इसके नीचे ये जो पिन दी गई है इससे आप एज अ ब्रूच भी अपने यहाँ ब्लेजर पे लगा सकते हैं, अपनी साड़ी पे, अपनी ड्रेसेस पे लगा सकते हैं एंड इसे बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस हॉल की मेरी लास्ट कैटेगरी है बुक्स, बुक्स में मेरे पास ये 2 बुक्स हैं एंड ये 2 अडल्ट ड्राइंग बुक्स हैं, मैं आपको पहले बुक्स दिखाती हूँ, बुक के बारे में बात करते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट बुक है गुड वाइफ्स गुड लाइफ बाय वेस किंग, वेस किंग कौशल ब्यूटी के हस्बैंड हैं, मैं उन्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंस्पिरेशनल कोटेशन अपलोड करते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये बुक जब मुझे रिसीव हुई थी मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं वेस किंग को बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ और मेरा मन था कि उनकी फर्स्ट बुक है और मैं पढ़ूँ, एंड गाइस मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करती हूँ। जिन्हें खुद पर डाउट होता है उन्हें लगता है कि वो दूसरा इंसान कितने अच्छे से वो काम कर रहा है वो तो कर ही नहीं सकते, वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं लाइफ में कुछ भी, और जिनमें सेल्फ लव नहीं है तो मैं उन्हें ये बुक बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि ये बुक पढ़ें और वो डिफरेंस अपनी लाइफ में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनकी लाइफ में आ जाएगा। मेरी सेकेंड बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ बाय मार्क मैनसन, ये बुक बहुत ही फेमस बुक है, बहुत सेलिब्रिटीज़ इसे पढ़ रहे हैं पढ़ चुके हैं, ये भी बुक बहुत ज़्यादा सेल्फ लव से रिलेटेड है कि आपको खुद को कैसे इम्प्रूव करना है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, सेल्फ लव कैसे करना है, नेगेटिविटी से कैसे दूर रहना है, ये सब आपको इन दोनों बुक से पता चल जाएगा। तो ये दोनों बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, ये 2 अडल्ट ड्राइंग बुक हैं, अगर आपको स्ट्रेस फील होता है या फिर आप डिप्रेस हैं तो मैं ये दोनों ड्राइंग बुक आपको रिकमेंड करती हूँ। अमेजोन पर आपको दूसरे ब्रांड्स की भी ड्राइंग बुक मिल जाएंगी और इन दोनों की ही वेबसाइट्स भी हैं, ईमेल आईडी भी ये आपको देते हैं। एक इस ड्राइंग बुक
में है ये एक्सट्रीम कॉपी कलर फॉर एडल्ट मंडला। इसमें आपको मंडला मिलते हैं, यहाँ पे कलर्स हैं, सेम आपको यहाँ पे भी करना है, आप अपने तरीके से भी कलर कर सकते हैं, आपको कलर चेंज करना हो तो। मैंने यहाँ पे ये एक पेज किया है, ये थोड़ा डिफरेंट किया है मैंने, ये भी मैंने किया। इसमें मैंने स्केच पेन एंड क्रियॉन्स दोनों ही यूज़ किए हैं। मेरी सेकेंड ड्राइंग बुक है नेचर गार्डन एंड फॉरेस्ट बाय वंडर हाउस। इसका ये कवर पेज बहुत ही स्लीक है, इसमें आपको अंदर एनिमल्स, प्लांट्स एंड ये फॉरेस्ट मिल जाएंगे। आपको ये इन्हें फिल करना पड़ेगा, क्रियॉन्स के साथ आप कर सकते हैं या आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी ये स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया, वो ख़त्म हो जाएगी मंडला वाले, उसके बाद मैं इसे यूज़ करूँगी। मेरा हॉल यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय।